नमस्कार। बोकारो देश में बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थ की महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने सेक्टर 4 में निकाला मशाल जुलूस, जो सिटी सेंटर होते हुए सभा में तब्दील हो गई। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व महिला मोर्चा भी शामिल थी। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में हुआ वृद्धि और रसोई गैस की बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जिससे अन्य सामानों की भी कीमत बढ़ गई है। जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सरकार को जल्द ही इस बढ़ी हुई कीमतों को कम करना होगा। वहीं महिला मोर्चा के नेत्री परिंदा सिंह ने भी कहा कि ये महंगाई सभी जनता को मार डालेगी। कोरोना जैसी महामारी के अलावे ये बढ़ी महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है, इसलिए हम केंद्र सरकार से के विरुद्ध मशाल जुलूस निकाले हैं कि सरकार अभी भी इस पर विचार करे और महंगाई पर लगाम लगावे। अध्यक्ष मंजूर अंसारी व महिला नेत्री परिंदा सिंह, ये आप लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर क्या संदेश देने का काम किया? ऐसा है कि आज कांग्रेस पार्टी के निर्देश के अनुसार बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी मशाल जुलूस निकाली है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह का पेट्रोल और डीजल की दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, एक तरफ कोरोना से हमारे देश के निम्न वर्ग के लोग बेरोजगार हो गए हैं और उसके ऊपर से लगातार डीजल और पेट्रोल की दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें एक तरफ किसान तो आत्महत्या कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ गलत नीति के चलते में आम जनता आत्महत्या करने पर ये सरकार मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि 130 करोड़ जनता की आवाज़ है। एक तरफ कोविड से हमारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना से बड़ा महामारी डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ोतरी जो दाम हुआ है, इससे आम जनता में काफ़ी आक्रोश है। हम देश के सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कांग्रेस पार्टी करती है कि आप डीजल और पेट्रोल की जो दाम है वो बढ़ोतरी को कम करें और सामान्य वर्ग को जीने का हक है उसको आप हक दें। जो मशाल जुलूस का प्रोग्राम है सरकार के विरुद्ध, इस पर आप क्या कहेंगी? ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम है वो प्रदेश निर्देशन पर हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता भी हमसे चाह रही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे समर्पित कार्यकर्ता जनहित में इस मुद्दे को लेकर हम जन आंदोलन करें, क्योंकि जिस बात पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, आपने लगातार 2019 में 2014 में स्लोगन देखे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता जानना चाह रही है कि महंगाई की मार की तुलना अब देखिए, कोरोना जैसी महामारी में लोग किसी तरह गिरते पड़ते संभलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में दिसंबर के महीने से लगभग दो महीने के अंदर 200 रुपया सिलेंडर में आपने वृद्धि कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 11-12 बार बढ़ चुके हैं और उस परिस्थिति में जबकि क्रूड ऑयल पर हमारा जो लागत मूल्य है वो बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइज जो ड्यूटी सरकार वसूल रही है उससे जनता त्राहिमाम है। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है उससे केवल बहुत बड़े बड़े जिनके पास कार है उद्योगपति, वही लोग नहीं, आम जनता, स्टूडेंट, महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर, सारे लोग प्रभावित हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो जनहित की सरकार है तो अविलंब इस पर अंकुश लगाए।